बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पवन सिंह के खिलाफ रोहतास जिले में 5 जगहों पर FIR दर्ज हुई है। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को पवन सिंह ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। उनके रोड शो में एक दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां शामिल थी और उनके बीच दूरी भी कम थी, जबकि अधिकतम 5 गाड़ियों की ही इजाजत थी। पवन सिंह के खिलाफ अकोढ़ी गोला, विक्रमगंज, काराकाट, संझौली और राजपुर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। SDM के निर्देश पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को दनवार गांव से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। अकोढ़ी गोला CO निधि ज्योत्सना और विक्रमगंज CO रजत कुमार वर्मा की लिखित शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की गई है। विक्रमगंज थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। पवन सिंह पर आरोप है कि 23 मार्च को रोड शो के दौरान उन्होंने परमिशन से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल किया। साथ ही भोजपुरी सुपरस्टार ने हूटर का भी उपयोग किया, जो कि प्रतिबंधित है। खबर लिखे जाने तक पवन सिंह की ओर से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह को BJP ने आसनसोल से टिकट दिया था, मगर बाद में उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और बागी होकर काराकाट से निर्दलीय ताल ठोक दी। BJP फिलहाल उन्हें मनाने में जुटी है। दक्षिण बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 1 मई को वोटिंग होनी है।